अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए यार काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, टोयोटा क्रोला अल्टेज 1.8 SR 2010 मॉडल, रेड वाइन कलर के अंदर, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट के अंदर एंटीक पीस गाड़ी लेके आए हैं। गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, गाड़ी आप लोगों को रजिस्टर्ड मिलती है लाहौर की, और गाड़ी ओरिजिनल चली हुई है, 30,000 से 35,000 के लगभग गाड़ी ओरिजिनल चली हुई है। अगर लोकेशन वाइज बात की जाए तो यहाँ पर आपको कार जिप जोन मलागण रोड शोरूम के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल गाड़ी मिल जाएगी। इस शोरूम के ऊपर आप लोगों को जस्ट एंटीक गाड़ियाँ ही मिलती हैं, और पीस से पीस गाड़ी यार निकाल के आते हैं, चाहे 1986 मॉडल हो, चाहे 1989 हो, चाहे 2007 मॉडल XLI, चाहे अल्टस हो, चाहे 2D हो, चाहे प्राडो हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, इनके पास आप लोगों को माशाल्लाह एंटीक पीस गाड़ियाँ मिलती हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस गाड़ी का डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं और देखते हैं जी इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। मैं से अपनी जुबान में कहता हूँ तोता एंड मैना, क्योंकि इसका कलर है काफ़ी बेहतरीन और इतना यूनिक कलर है ये। मैंने ना अभी जैसे इस गाड़ी का रिव्यू करो तो मैंने कलर देखा है, एक दो गाड़ियाँ हैं हमारे इलाके में लेकिन उनका कलर जो है ना वो नहीं, वो कलर ये कलर ना ज़्यादा ओरिजिनल पेंट के अंदर ही मज़ा देता है। अगर ये रिपेंट हो जाए ना तो फिर इसका इतना मज़ा नहीं है जितना ओरिजिनल पेंट के अंदर है। कपटी फिटेड कलर और चीज़ है। यहाँ पे बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर जी इसका अगर बम्पर की बात की जाए तो आप लोगों को ओरिजिनल पेंट के अंदर मिलता है, टोयोटा की वही सेम फ्रंट के ऊपर बेजिंग मिलती है जो कि क्रोला की बिल्कुल सेम टू सेम एक जगह पर टिकने वाला लोगो है। यहाँ पर बात करें इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स की काफ़ी यूनिक सी है, इसके अंदर आपको लोई बीम का बल्ब है, इसके अंदर ही आपको इंडिकेटर दिया जाता है। नीचे अगर बात की जाए बम्पर की, तो नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक की ट्रिमिंग दी जाती है फ्रंट के ऊपर भी और साइडों में ही। आफ्टर मार्केट अगर आप फोग लाइट लगवाना चाहें अल्टस के अंदर, तो 2010 मॉडल के ऊपर जितने 11, 12, 13 अल्टस आए उसके अंदर तो फोग लाइट्स मिलती हैं, लेकिन 10 मॉडल के अंदर नहीं है, लेकिन आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, उसकी जगह RED कंपनी ने RED बनवाई हुई होती है। यहाँ पर अगर बात करें जी फ्रंट बॉनेट की, बॉनेट आपको नीट एंड क्लीन दोनों तरफ आपको इसके साइडों से कर्व्स बने हुए मिल रहे होंगे। फ्रंट की स्क्रीन साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है। साइड मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं जिसके अंदर आपको इंडिकेटर भी दिया जाता है, एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी है और फोल्डिंग भी इसके अंदर ही है। और ये आगे कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल। राइट पे अगर बात करते हैं राइट साइड की प्रोफाइल की, तो राइट साइड की प्रोफाइल देखें जिसके अंदर आपको हैंडल्स सेम टू सेम रेड वाइन कलर के अंदर दिए जाते हैं, इसके गोली भी रेड कलर के अंदर है, और नीचे इसकी जो फेंड बोर्ड की प्लास्टिक है, ये इसकी फेंड बोर्ड प्लास्टिक की आते हैं, अंदर लोहे का होता है लेकिन कंपनी फिटेड, इसकी जो डिज़ाइन किट से ना ये ओरिजिनल कंपनी फिटेड आती है, तो ये भी आप लोगों को रेड कलर के अंदर ही दी जाती है। जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज है, वो कौन सा है, इसकी विंडोज़ की जो पिनल्स हैं ये कंपनी फिटेड ब्लैक इन्होंने दिए हैं, अच्छा ज़रा से गाड़ी को ना सूट करने के लिए, तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक कलर की ट्रिमिंग है और प्लास्टिक की थोड़ी बहुत, और नीचे क्रोम की थोड़ी बहुत ट्रिमिंग इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें गाड़ी की हाइट की, गाड़ी ओरिजिनल हाइट के अंदर है, इसके अंदर कंपनी फिटेड आपको अलाइज मिलते हैं, अल्टस के अंदर जितने भी अल्टस आई ना उसके अंदर आपको कंपनी फिटेड अलाइज मिलते ही मिलते हैं, और ब्रांड न्यू इसके अंदर आप लोग को टायर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें गाड़ी की लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की, तो ये आगे कुछ इसकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल। फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको 75 लीटर का फ्यूल टैंक स्टोरेज मिलती है, और ये आगे इसकी कुछ लेफ्ट साइड की प्रोफाइल। यहाँ पर अगर बात करें गाड़ी की बैक साइड की प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको ट्रंक की बात करते हैं, तो क्रोला अल्टस की राइट की जानेब आपको फंक्शन मिलती है मिड अप में, टोयोटा की राइट एंड लेफ्ट की जानेब टोयोटा की, नीचे आपको क्रिस्टानी का आपको और 1.8 SR का आपको लोगो का मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेट्रंक के मिडम में आपको इसकी रिवर्स लाइट मिल जाती है, और टेल लाइट्स के अंदर आप लोगों को इंडिकेटर और ब्रेक लाइट दी जाती है, नीचे वही आपको ब्रेक लाइट बम्पर के अंदर दी जाती है लेकिन फ्रंट के ऊपर नहीं दी जाती। इसके मैट्स भी चिकन मैट्स भी आपको रेड वाइन कलर के अंदर ही दिए जाते हैं। बात करें गाड़ी की फ्रंट लेफ्ट की, तो बिल्कुल सेम टू सेम माशाल्लाह लश कंडीशन के अंदर है गाड़ी। ये आपको मैं इसकी बैक साइड ज़रा सा ना जूम करके दिखा देता हूँ। मिडम में आपको ब्रेक लाइट दी जाती है, टोयोटा की बेजिंग, आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, यहाँ पर आपको 1.8 SR का लोगो, यहाँ पर आपको इसका यार पीछे एक आवाज़ें आ रही हैं, चले मैं इसे एडजस्टमेंट में प्रोफाइल। ये आगे इसकी कुछ फ्रंट की प्रोफाइल। ऊपर क्या आपको सनरूफ की बात करें, इसके अंदर आपको ना सनरूफ के शशकियत तो लाजमी मिलती ही मिलते हैं, तो ये आगे कुछ इसके शशके सनरूफ के, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आ गए, अलाइज आ गए। अगर टायर्स की नाम की बात की जाए, तो अभी टायर्स का नाम मुझे नहीं पता कौन से इसके अंदर टायर्स रहे हैं, आगे अगर मुझे इंशाल्लाह इसका पता चल गया तो मैं आपको ना
मेंशन कर दूंगा कौन से टायर जले हैं। ये आ गया इसका फ्रंट बानेट, बानेट आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन, और इसके अंदर आपको ना थोड़ी बहुत प्लास्टिक की ट्रिमिंग भी है, कपड़ा वगैरह इसके अंदर कंपनी फिटेड अल्टिस के अंदर दिया जाता है साउंडलेस करने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें गाड़ी की फ्रंट इंजन रूम की, तो फ्रंट इंजन रूम इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। 16 वाल का आपको 1.8 1800 cc का इसके अंदर VVTi का आपको इंजन मिलता है ऑटोमेटिक। इसके अलावा आपको इसके अंदर कंपनी फिटेड एसी हीटर तो आ रही, ये चीज़ें हैं ही हैं। गाड़ी की अगर फ्रंट कुप्पों की बात की जाए, देखो पे फ्रंट पिट्टी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, ब्रांड न्यू बैटरी AGS के इसके अंदर बैटरी मिल जाती है। यह आ गया इसका कोई ट्रंक भी स्क्रैच लेस है, कोई स्क्रैच नहीं है माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। नीचे का फ्रेम माशाल्लाह देख लें, और यहाँ पर आपको इसके ना यूरो के आपको यूरो स्टार के आपको इसके अंदर मिल जाते हैं टायर्स ब्रांड न्यू, और ट्रंक माशाल्लाह नीट एंड क्लीन आपके सामने। ये आ गया इसका रूफ, और रूफ के अंदर आपको सनरूफ आपको इसके अंदर जी लाइट्स मिलती हैं, फ्रंट की लाइट्स हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह यार सनरूफ के चश्के काफ़ी मज़े के हैं। यहाँ पर अगर बैक साइड की सीट्स की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, दो बंदे इजीली होकर बैठ भी सकते हैं। लेदर की सीट्स हैं, आपको इसके अंदर ना फर्मीकी की ट्रिमिंग मिल जाती है हैंडलों के ऊपर, और फ्रंट के ऊपर भी मिलती है, वो भी आगे मैं दिखा दूंगा। ग्लास होल्डर बैक साइड की ऊपर है मिल जाते हैं ऑलरेडी। ये आ गया कुछ इसका फ्रंट, ये आ गया इसका फ्रंट ऑटो, तीन मैनुअल हैं, लॉक अनलॉक का बटन्स हैं। और यहाँ पे ना आपको मैं इसके स्टेयरिंग की स्टिचिंग दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको स्टिचिंग दी जाती है, एंड्रॉयड सिस्टम है। यहाँ पे आपको इसके मिल जाते हैं मिरर्स के ऊपर आपको RPM, यार स्कल्टस का स्पीडोमीटर मुझे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल भी थोड़ा सा मिल जाता है, और यार यूनिक सा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आफ्टर मार्केट इसके अंदर जी एंड्रॉयड सिस्टम आपको मिल जाता है, स्पीकर्स तो कमाल के इसके अंदर इंस्टॉल है, ऑटोमेटिक, और थोड़ी बहुत क्रोम की ट्रिमिंग है, और मिडम में फर्मीकी की ट्रिमिंग गियर नॉब के ऊपर आप लोगों को दी जाती है। डैशबोर्ड की बात करें तो टू टून कलर की तरह आपको सेम टू सेम और गाड़ियों की तरह सेम टू सेम मिल जाता है। स्टेयरिंग के अंदर आपको कोई बटन्स वगैरह नहीं मिलते, जस्ट आप लोगों को दो एयर बैग्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा अल्टेस 1.8 SR 2010 मॉडल का। तो लोकेशन वाइज में बात कर लेता हूँ, का जिप जोन मलाकंड शोरूम के ऊपर ही आपको गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा वाइट सुपर वाइट कलर की उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, 13, 14, 12 मॉडल। इसके अलावा XLi भी हैं, GLi भी हैं, प्राडो भी हैं, 88 मॉडल भी हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। इंशाल्लाह रिव्यू तो रोज़ बरोज़ एक होता है, लेकिन गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल बहुत सारी खड़ी हुई हैं, तो आप उनके साथ डील वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिव्यू अच्छा लगेगा। आज ही रहते हैं, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा।